गुड मॉर्निंग क्लास। सो कल हमने पढ़ा था TCP/IP मॉडल के बारे में। टुडे वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रोटोकॉल्स व्हिच आर यूज्ड इन दैट TCP/IP मॉडल, राइट? सो फर्स्ट वी हैव 5 FTP। एफटीपी दिस इज वन ऑफ द प्रोटोकॉल व्हिच इज यूज्ड इन अ नेटवर्क, फाइन। तो एफटीपी, इफ यू विल टॉक अबाउट इट्स एक्रोनिम, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी से समझ में आ रहा है कि ये किसके लिए यूज हो रहा है। इट इज एक्चुअली यूज्ड टू ट्रांसफर अ फाइल फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर, फाइन। सो इफ आई से दिस इज द यूजर एंड दिस इज अ सेंडर, तो जब यहां से फाइल जाएगी तभी भी हमारा एफटीपी यूज हो रहा है, यहां से फाइल आ रही है तभी भी हमारा एफटीपी यूज हो रहा है। सो वी कैन से दैट कि टू टाइम्स हमारा एफटीपी एक फाइल को सेंड करने में यूज होता है। एफटीपी, इट इज अ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय TCP/IP फॉर कॉपिंग अ फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, ठीक है। सो और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें एक चीज होती है कि जैसे हमने नॉर्मल भी हम देखते हैं, हम कोई फाइल सेंड कर रहे हैं, से हमारा इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया या पावर चली गई, मोस्टली एज एट माई प्लेस वी हैव वाईफाई, फाइन। सो एज मैं कोई फाइल आप लोगों को सेंड कर रही हूँ यूजिंग अ व्हाट्सएप और इफ आई एम मेलिंग यू, तो वो फाइल बीच में रुक गई, जैसे ही वो पावर आएगी वो फाइल क्या होगी, अपने आप लोगों के पास वापस सेंड हो जाएगी, है ना। स्टॉप हुई बट लाइट आई, वाईफाई ऑन हुआ, तो वो आपने आप रिसीवर के पास पहुंच जाएगी। तो उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल। सेकेंडली द वर्क ऑफ एफटीपी इज ऑल्सो टू सीमलेसली ट्रांसफर अ फाइल ज्योग्राफिकली, मतलब एक आईटी कंपनी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में है, से मुंबई में है, दिल्ली में है, एक बैंगलोर में है, एंड ऑल थ्री टीम्स नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, यूजिंग मेल और एनीथिंग लाइक दैट। मतलब कुछ ट्रांसफर ही करना है, कुछ फाइल ही ट्रांसफर करनी है, सो हाउ विल दे कम्युनिकेट, दे कैन ट्रांसफर अ फाइल एंड फॉर दैट ऑल्सो एफटीपी इज रिस्पॉन्सिबल, फाइन। सो दिस इज एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट TPP, दिस इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट मतलब एक आपका हुआ यूजर, एक आपका हुआ सेंडर, ठीक है। सो इसका काम क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ आईपी पैकेट्स ओवर सीरियल लाइन। सीरियल लाइन मतलब टेलीफोनिक लाइन, मतलब इंटरनेट जो है हमारा टेलीफोनिक लाइन के थ्रू कनेक्टेड है। अब आप लोग सोचिए कि वायर टेलीफोनिक लाइन हम डायरेक्टली इंटरनेट क्यों नहीं यूज करते थे, हम डायलअप क्यों यूज करते हैं, दैट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, क्योंकि हमारा जो डायलअप है, हमारा जो टेलीफोनिक लाइन इंटरनेट है, वो हमारा यूज करता है आपका स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, और हमारा इंटरनेट यूज करता है पैकेट स्विचिंग, मतलब कि डेटा को ट्रांसमिट जब हम करते हैं। कल हमने पढ़ा था पैकेट स्विचिंग, पैकेट्स किस तरीके से डिवाइड होकर वो जा रहे थे, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ, ठीक है। सो बट हमें डायलअप यूज करना पड़ता है, बिकॉज डायलअप कनेक्शन मतलब टेलीफोनिक वाली जो हमारी लाइन्स होती हैं उसके थ्रू हमारा इंटरनेट चीपर पड़ता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ डायरेक्ट लाइन, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या यूज होता है, पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, मतलब डायलअप कनेक्शन के थ्रू हमारे जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा ओवर आ TCP/IP, दैट इज थ्रू पीपीपी, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, पीपीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। अब इसी का काम होता है, अब मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो टेलीफोन लाइन है वो हमारा कौन सा यूज करती है, स्विचिंग, दैट यूजेस सर्किट स्विचिंग, बट हमारी इंटरनेट जो है दैट, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द स्पेलिंग, दैट यूजेस पैकेट स्विचिंग।
तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस बनाने का काम भी कि इन दोनों के थ्रू बैलेंस बनाने का काम भी जो है वो हमारा पीपीपी करता है। ठीक है, वो कैसे करता है, उसके लिए वो कुछ वेज यूज करता है, उसके लिए वी कैन से दैट कुछ और नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो पहला जो होता है हमारा LCP, LCP इज लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब टू एस्टैब्लिश अ लिंक, इसका काम क्या है, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करने का काम होता है इसका। ठीक है, दूसरा हमारा एक प्रोटोकॉल आता है NCP, इट्स नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इट इंश्योर्स द डेटा शुड ट्रांसमिट स्मूथली ओवर अ टेलीफोनिक इंटरनेट। ठीक है, मतलब इसका काम तो क्या हुआ, सेंडर और यूजर के बीच में कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना ओवर अ डायल अप कनेक्शन। इसका काम क्या हुआ कि जो डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है या जो फाइल जो ट्रांसमिट हो रही है वो बहुत स्मूथली हमारे डायल अप कनेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, सो वी कैन से दैट पीपीपी इंश्योर्स द इंटरनेट ओवर अ टेलीफोनिक लाइन, एंड वी कैन से दैट इसका काम क्या है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन मतलब डेटा ट्रांसपोर्टेशन, और इसका काम क्या है, लिंक एस्टैब्लिशमेंट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। नेक्स्ट वी हैव HTTP प्रोटोकॉल, HTTP इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके लिए पहले हमें जानने की जरूरत है हाइपरटेक्स्ट क्या होता है। हाइपरटेक्स्ट होता है जब आप लोग कभी भी मोस्टली आपने विकिपीडिया पे देखा होगा डेटा लिखा रहता है एंड कुछ डेटा ब्लू कलर में होता है, और जैसे ही हम उस ब्लू कलर वाले डेटा पे क्लिक करते हैं तो एक नई फाइल ओपन हो जाती है जो बताती है उस वर्ड की डेफिनेशन है उस वर्ड के बारे में। ठीक है, सो दैट डेटा इज हाइपरटेक्स्ट। अब ये हम लोगों को पता है कि हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू बनी होती है। ठीक है, तो HTTP का काम क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम क्या है, आप लोग ने कभी नोटिस किया होगा हम जब कभी भी वेब ब्राउजर में किसी वेबसाइट का नाम डालते हैं तो उसके पहले HTTP लिखा आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोटोकॉल है इसकी हेल्प से हम वेब ब्राउजर के थ्रू किसी भी साइट को खोल सकते हैं, किसी भी सर्वर को मेल सर्वर को ओपन किया जा सकता है। अब ये क्या करता है, ये तो क्लाइंट हुआ, अब इसने वेब ब्राउजर पे कुछ सर्वर से इंफॉर्मेशन मांगी। ठीक है, इसने जब इससे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी वेब ब्राउजर पे डाल के तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू ही वो डेटा हमारा ओपन होके आएगा या वो वेबसाइट ओपन होके आएगी। अब मैंने ये आपको बताया HTML डेटा को ओपन करने के लिए वी हैव टू यूज दिस HTTP प्रोटोकॉल। फाइन, अब दिस हाइपरटेक्स्ट कैन बी टेक्स्ट, दैट कैन बी ग्राफिक, दैट कैन बी वीडियो, दैट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कभी भी हम वेबसाइट का नाम कोई डालते तो उसके पहले www. के पहले HTTP लिखा होता है। ठीक है, सो दैट प्रोटोकॉल हेल्प्स यू टू ओपन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, एंड वी कैन सी हियर वी हैव अ क्लाइंट वी हैव अ सर्वर। इसने वेब ब्राउजर के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसने क्या किया, इसने डाल दिया सर्वर को, अब सर्वर ने उसको इंफॉर्मेशन वापस दे दी, बस दोनों का कनेक्शन हो गया खत्म। मतलब यहां से इसने इसको दिया कि मुझे ये सर्च करके दो, तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, तो ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, इसने इसको वो फाइल इसको वापस दे दी, तो वो कनेक्शन दोनों के बीच का क्या हुआ, कनेक्शन लेस हो गया। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। द अनदर इज मीडियम इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मतलब इसने इसको डेटा दिया, कनेक्शन खत्म हो गया, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये सर्वर उसको क्लाइंट को नहीं जानता, वो क्लाइंट उस सर्वर को नहीं जानता। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव SMTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, इसका मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम से समझ में आ रहा है किसके लिए यूज हो रहा है, सिंपली मेल को वंस क्लाइंट से सर्वर सॉरी वन सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचाने के लिए है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एक सेंडर है, इसने मेल सेंड की तो ये मेल जो जाएगी
से इसने जीमेल से मेल सेंड की है तो जीमेल के सर्वर पे ये मेल गई. देन दे हैव इंटरनेट अब एसएमटीपी प्रोटोकॉल यहां पे एक्टिव हो गया. देन वी हैव से जो सेंडर ने मेल सेंड करी है वो याहू पे की है, मतलब जो रिसीवर है उसकी याहू की मेल आईडी पे उसने जीमेल से की है. तो ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, इंटरनेट के थ्रू इसको सेंडर के इसके सर्वर पे डालेगा. यहाँ पे पॉप थ्री एक प्रोटोकॉल होता है जो कि हम आगे पढ़ सकते हैं, अभी मुझे देखना पड़ेगा सिलेबस में होगा तो इन द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस आई विल एक्सप्लेन इट. उसके थ्रू हमारे रिसीवर के पास चली गई. दैट्स इट. दिस प्रोटोकॉल इज एक्चुअली एक्टिवेटेड हियर व्हेन द सर्वर व्हेन द सेंडर नीड्स टू सेंड अ मेल टू अ रिसीवर. वो उस सेंडर के जिस भी मेल के थ्रू उसने सेंड की होगी उसके सर्वर पे जाएगी, उसके सर्वर के थ्रू एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका एक्टिवेट होगा. वो आपके याहू वाले या जिस भी हो सकता है जीमेल के तो उसके सर्वर पे जाएगा, उसके सर्वर से आपके रिसीवर के पास पहुंच जाएगा. दिस इज जस्ट अ सिंपल जॉब ऑफ एसएमटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फाइन, तो मैंने आप लोगों को आज कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया है, प्लस कल एक ओएसआई मॉडल बताया था, सॉरी नॉट ओएसआई मॉडल, TCP/IP मॉडल बताया था, प्रोटोकॉल मॉडल, ठीक है, एंड मॉडल सॉरी. तो ये वाले नोट्स एक्चुअली वो बहुत छोटे टॉपिक था, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड अ नोट फॉर दैट. मैं अभी इकट्ठे कुछ टॉपिक्स के नोट्स इकट्ठे प्रिपेयर करके आप लोग को सेंड करूंगी, ठीक है. आई होप ये क्लियर हुआ होगा, इन एनी केस नहीं हुआ है आप लोग पूछ लीजिए, कल वाले टॉपिक से भी कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क मी, ठीक है. आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेरीज. That's all for today's class. Take care of yourself. Bye-bye.